राजा नाहर सिंह जैसे मेरे को लगता है पता नहीं कितने शूरवीर और कितने वो होंगे जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया और इतिहास के पन्नों में कहीं पर भी उनका नाम नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ी आयरनी है और ये सोच के बड़ा दुख भी होता है। तो मैं तो ऐसे वीर जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद भारत में खड़े हैं उनको अपने दिल से शत शत नमन करता हूँ। और इसमें देखो साफ साफ लिखा है 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, अ ग्लोरियस चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करा था राजा नाहर सिंह ने 1857 की रिवोल्ट में। हेलो दोस्तों, आपका इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको हरियाणा के एक छोटे से शहर बल्लभगढ़ में लेकर आए हैं। ये शहर जो है बल्लभगढ़, इसके बीचों बीच ये बनाए राजा नाहर सिंह पैलेस। जो राजा नाहर सिंह थे वो बल्लभगढ़ के राजा थे 18वीं शताब्दी में। तो आज हम राजा नाहर सिंह पैलेस को एक्सप्लोर करने आए हैं। जो ये जगह है बल्लभगढ़, ये दिल्ली से है लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर। तो अगर आप इधर आना चाहते हैं दोस्तों, जो सबसे कन्वीनियंट वे है यहाँ पे आने के लिए वो है मेट्रो। तो यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है बल्लभगढ़ का, उस मेट्रो स्टेशन का नाम ही राजा नाहर सिंह के नाम पर है। उस मेट्रो स्टेशन का नाम है राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन और बल्लभगढ़। तो अगर आप उस स्टेशन, अगर ये जो स्टेशन है ये है वायलेट लाइन पे, मेट्रो की जो वायलेट लाइन है उस पर है ये मेट्रो स्टेशन। तो सबसे कन्वीनियंट वे तो मेट्रो है। और अगर आप अपने कन्वेंस से भी आना चाहते हैं तो कार से, तो भी ये जगह मतलब काफ़ी इजी है आना यहाँ पे, क्योंकि जो ये बल्लभगढ़ शहर है ये है NH2 नेशनल हाईवे 2 पर। तो नेशनल हाईवे 2 है, इसका रोड भी आपको पता है डबल लेन है। तो बहुत ईजी है दिल्ली से यहाँ पर आना। अगर आप दिल्ली से अपनी कार में भी आएंगे तो मैक्सिमम आपको 35-40 मिनट्स यहाँ पर पहुँचने में लगेंगे। और ये काफ़ी अच्छी जगह है, दिल्ली के काफ़ी पास काफ़ी एक अच्छी जगह है और काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है, काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो चलिए और आज हम एक्सप्लोर करते हैं राजा नाहर सिंह पैलेस। चलिए आइए। ये गेट है, ये मेन एंट्रेंस है इस पैलेस का। कितनी अच्छी बनावट है और ये पूरा इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखिए कितना अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और आइए चलिए अंदर चलते हैं। ये दरवाज़ा देखिए, पहले के टाइम पे जो दरवाज़ा होता था ये इसमें कीलें लगाई जाती थी। ये देखिए बड़ी बड़ी जो कील है, इसका ये रीज़न होता था कि कभी कोई दुश्मन अटैक करे और तोड़ना चाहे अगर दरवाजे को, तो अगर जैसे पहले क्या होता था कि दरवाजे को तोड़ने के लिए हाथियों का इस्तेमाल करा जाता था, तो अगर जब दरवाजों में ये कीले होते थे तो हाथी उसमें टक्कर नहीं मारते थे, फिर उसे तोड़ते नहीं थे। तो इस वजह से ये दरवाजों पे इन कीलों का इस्तेमाल किया जाता था पहले के टाइम पे। तो यहाँ पर भी देखिए कितना अच्छा है, कितना बड़ा दरवाज़ा है और काफ़ी अच्छा मेंटेन है। इसकी मेंटेनेंस अब हरियाणा टूरिज्म करती है। अब जो ये नाहर सिंह पैलेस है अब इसको हरियाणा टूरिज्म ने टेक ओवर करा हुआ है और जो उसकी मेंटेनेंस का सारा जो है अब हरियाणा टूरिज्म के पास है। तो आइए चलिए और अंदर चलते हैं। आइए, ये है राजा नाहर सिंह पैलेस का मेन कोर्टयार्ड। ये देखिए पूरा कोर्टयार्ड है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा कोर्टयार्ड है यहाँ का, काफी सुंदर है और काफी मेंटेन करा हुआ अच्छे तरीके से हरियाणा टूरिज्म ने इसे। देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आइए चलकर ये देखते हैं। ये देखिए सामने जो ये बना हुआ है, ये जो ग्लासेस हैं शीशा है, ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। और आइए चलिए, ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। और मैं आपको बताना चाहता था राजा नाहर सिंह के बारे में, उनकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। वैसे मेरी हिस्ट्री थोड़ी कमज़ोरी थी जब पढ़ते थे और हिस्ट्री में नींद भी आती थी, आपको जैसे पता ही होगा काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बताना तो बनता ही राजा नाहर सिंह के बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्पेशल बात है इनके बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ, जो राजा नाहर सिंह थे
उन्होंने इस किले को बनवाया था। एक्चुअल में जो इसकी शुरुआत हुई थी, इसको बनवाया था राजा नाहर सिंह के जो एंसेस्टर थे, उनका नाम था राव बलराम। तो जो बल्लभगढ़ शहर है, वो शहर का नाम भी उन्हीं के नाम पर है, बलराम से बल्लभ बन के, और ये बल्लभगढ़ बन गया। तो उन्होंने 1739 में इसकी शुरुआत करी थी बनाने की, और जो इसमें जो लास्ट काम हुआ है, जो लास्ट इसको बनाया है, मतलब कंप्लीट करा है, वो राजा नाहर सिंह ने करा था 1850 में। तो 1850 में पूरा कंप्लीट हो गया था, और इसका नाम राजा नाहर सिंह पैलेस के नाम पर ही पड़ा। और जो राजा नाहर सिंह थे, वो काफ़ी शूरवीर और बहुत वीर राजा थे। उनका जन्म हुआ था 1821 में, और मात्र 18 साल की उम्र में उनको राजगद्दी सौंप दी गई थी, क्योंकि उनके जो पिता थे, उनकी मृत्यु काफ़ी जल्दी हो गई थी। मात्र 9 साल के थे राजा नाहर सिंह जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। तो 1839 में राजा नाहर सिंह यहाँ के बल्लभगढ़ के राजा बने, और 1850 में मैंने बताया कि कंप्लीट हो गया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है राजा नाहर सिंह के बारे में, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी, इनफैक्ट कुछ टाइम पहले तक मुझे भी नहीं पता थी, कि 1857 में जो इंडिया का रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह जिसे हम कहते हैं, हमने जो पढ़ा था, उसमें राजा नाहर सिंह ने एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करी थी। और उन्होंने ये जो साउथ, क्योंकि साउथ दिल्ली के बहुत पास है बल्लभगढ़, तो उन्होंने यहाँ से इनको काफ़ी क्षति पहुँचाई थी अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ने की भी काफ़ी कोशिश करी, मारने की कोशिश करी, लेकिन वो ये काम कर नहीं पाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने राजा नाहर सिंह को एक षड्यंत्र के थ्रू दिल्ली बुलाया, ये कह के कि बहादुर शाह जफ़र, उस टाइम दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो बहादुर शाह जफ़र थे, तो ये कहा उन्होंने कि भाई हम उनके साथ संधि करना चाहते हैं, तो आप आ जाइए, हम आपके सामने करेंगे। तो जब राजा नाहर सिंह दिल्ली पहुँचे, तो उनको जाते ही ब्रिटिशर्स ने बंदी बना लिया और उनके ऊपर एक केस चलाया। उसके बाद 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में, दिल्ली के चांदनी चौक में बीचों बीच राजा नाहर सिंह को फांसी दे दी गई। तो राजा नाहर सिंह जैसे, मेरे को लगता है पता नहीं कितने शूरवीर और कितने वो होंगे जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, और इतिहास के पन्नों में कहीं पर भी उनका नाम नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडम्बना और बहुत बड़ी आयरनी है, और ये सोच के बड़ा दुख भी होता है। तो मैं तो ऐसे वीर जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद भारत में खड़े हैं, उनको अपने दिल से शत शत नमन करता हूँ, और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उनकी वजह से, उनकी वीरगति की वजह से आज हम एक आज़ाद भारत में खड़े हैं। ये है राजा नाहर सिंह पैलेस का रेस्टोरेंट, ये देखिए, ये पूरा हेरिटेज स्टाइल में बना हुआ है। इधर बैठकर अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कुछ भी करना चाहें तो आप आके कर सकते हैं, और आपको एक ऐसी फील आएगी कि आप किसी एक महल में बैठकर और यहाँ पर खाना खा रहे हैं। ये है यहाँ का मेन्यू कार्ड, और आप देखिए ये यहाँ पे बेवरेजेस हैं सब, इनका रेट आप देख ही रहे हैं, और ये स्नैक्स है सारे रेट के साथ, यानी, और ये सूप्स वगैरह हैं, पास्ता, सैलेड, ये इंडियन डेजर्ट्स आ गए हैं सारे। ये सारा इंडियन आ गया, सारा फूड, और ये इंडियन ब्रेड्स, चाइनीज़ भी हैं यहाँ पे, ये सारे चाइनीज़ डिश हैं, और ये डिज़र्ट है, और ये थाली अगर आप लेना चाहते हैं तो वेजिटेबल थाली भी है, नॉन वेज थाली भी है, और बजट थाली भी है यहाँ पर अवेलेबल। और ये हमने यहाँ पर अपना खाने का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि वैसे ये ना कोई लंच का टाइम है ना डिनर का टाइम है, बीच का टाइम है, तो मैंने स्नैक्स ऑर्डर करा है। तो ये तो है वेज सैंडविच, ये है चीज़ कटलेट, उसके साथ में इन्होंने फिंगर चिप्स कॉम्प्लीमेंट्री साथ में दिया है, और कोल्ड ड्रिंक, जो मैं ऐसे सामान के साथ नॉर्मली ज़्यादातर खाता हूँ। तो अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। ये ग्रीन चटनी भी दी है इन्होंने साथ में, और ये है रेड चटनी। तो इसमें अब हम एक बार सबसे पहले फिंगर चिप्स ट्राई करते हैं।
काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा फिंगर चिप्स है। और इसको भी ट्राई करते हैं, चीज़ कटलेट को। टू गुड, चीज़ कटलेट बहुत अच्छा है। मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप चीज़ कटलेट तो ज़रूर लें और एक बार एक सैंडविच और ट्राई करके देखो कैसी है। सैंडविच भी गुड है और मेरे ख्याल से उसका प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, प्राइस भी यहाँ का रीज़नेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस एम्बियंस में बैठ के हम इस चीज़ को खा रहे हैं वो प्राइसलेस है, क्योंकि जो यहाँ की जो पूरी लुक है, पूरी फील है, वो एक महल वाली फील है, क्योंकि ये पैलेस है और इसको एक हेरिटेज प्रॉपर्टी बनाया हुआ है। उस हिसाब से जो इनका प्राइस हो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अब मैं अपना फूड खा लेता हूँ थोड़ा और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। ये राजा नाहर सिंह जो पैलेस है, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पर रूम्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पर टोटल 6 रूम है जो क्योंकि ये हेरिटेज प्रॉपर्टी बन गई, अब तो हरियाणा टूरिज्म ने इसको टेक ओवर जब से करा है तो ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आप आकर चाहें तो वीकेंड पे वन नाइट स्टे भी कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। वन नाइट स्टे के जो चार्जेस, अगर मतलब आपको यहाँ पे जो है रूम चार्जेस वो है ये अगर एसी सेमी डीलक्स रूम लेते हैं तो 2463 रुपये का है, और अगर आप एसी स्टैंडर्ड रूम लेते हैं तो 2239 रुपये का है। और कार्ड स्वाइप अवेलेबल और ये फर्स्ट एड बॉक्स और ये सारा है, ये सारी चीज़। और ये HTC हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन जो इसको मेंटेन करता है, तो आप यहाँ कर आकर स्टे भी कर सकते हैं और रेस्टोरेंट का तो आप मज़ा ले ही सकते हैं। मैंने आपको रेस्टोरेंट दिखाया है, कितना अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ का। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना जल्द से जल्द यहाँ पर आने का सीन बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये आ गए हम राजा नाहर सिंह पैलेस के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये देखिए, ये कितना सुंदर बना हुआ है यहाँ पे। ये इसकी डिजाइनिंग देखिए और ये कितना काफ़ी अच्छा काम करा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से व्यू भी नीचे का कोर्टयार्ड का बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए नीचे कोर्टयार्ड का व्यू। और जो वो वाली साइड है जो ऊपर दिख रहे हैं आपको, वो रूम्स हैं वहाँ पे, अभी तो लॉक्ड है। तो वहाँ पर जो मैंने आपको रूम्स का रेट बताया था, तो वो वाले रूम्स हैं ऊपर वाले, जहाँ पर आप रूम बुक कर सकते हैं। दो कैटेगरी के रूम हैं जो मैंने आपको दोनों दिखाए थे। काफ़ी तेज़ धूप है, चुभ रही है लिटरली। अगर आप चाहें तो आप राजा नाहर सिंह पैलेस में है ना शादी भी कर सकते हैं, यहाँ पर शादी के लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है। वो यहाँ पर आप यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये जो शादी भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग लोग करते हैं, तो दिल्ली के जिस हिसाब से पास है तो आप एक काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन वेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका है कि जो दिल्ली से इसकी प्रॉक्सिमिटी है वो बहुत ही क्लोज़ है। तो अगर आप यहाँ पर शादी वगैरह बुक करना चाहते हैं तो जो यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा मैनेजर का, जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो आपको सब कुछ बताएंगे, तो नीचे मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर भी लिख दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का लिंक भी कर दूंगा, गूगल का, जो यहाँ की लोकेशन का गूगल लिंक है वो भी, और हरियाणा टूरिज़्म की जो साइट है जिससे बुक होता है यहाँ का, जो रूम वगैरह बुक होते हैं जो हरियाणा टूरिज़्म की साइट से बुक होते हैं, तो उसका भी, हरियाणा टूरिज़्म की उस साइट का लिंक भी आपको मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा। तो आप उस दर लिंक से उस पर क्लिक करके आराम से यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा एपिसोड है राजा नाहर सिंह पैलेस का, ये यहीं समाप्त होता है। और
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आगे ऐसे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।